बैठो बैठो बैठो। नो, कैसी हो? ठीक हूँ। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप पीएचडी कर रही हो और मतलब कैसे क्या क्या कर रही हो मतलब और कैसे मैनेज कर पाती हो सारा? शुरू से मैं चाहती थी कि मुझे डॉक्टरेट करनी है बट फादर की डेथ के बाद नहीं हो पाया बस क्योंकि मेरे ब्रदर इज एन इंजीनियर तो एक ये था कि कहीं ना कहीं एक ही बंदा ज्यादा हो सकता है तो इस केस में मुझे लगा कि चलो यहाँ से नहीं तो दूसरा एक रास्ता ले लेते हैं तो मेरा इंटरेस्ट था ह्यूमन रिसोर्स में तो मैंने वहाँ से फिर पीएचडी कर लिया अभी एनरोल किया है। और वैसे मतलब व्यवसाय की तो से कुछ करती है या सिर्फ पढ़ाई? हाँ, मैं जॉब करती हूँ मतलब जब यहाँ आई तब छोड़ के आई। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। डिस्को को जाती हो कभी? डिस्को में आज तक गई नहीं और मेरे को उसका टाइम भी नहीं मिला एक्चुअली तो अब चाहती हूँ वो करना। अभी चाहती हूँ कि अपने लिए टाइम बिताए। हाँ बिल्कुल, अपने लिए और अपने साथ अपने हस्बैंड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पीएचडी भी कर रही है या समाप्त कर चुकी है? आप ये करती है, डांसिंग भी करती है, आप घर में बनाती है, घर का काम देखती है, सारी चीजें करती है, मतलब कहीं लगता नहीं आपका मन की सब छोड़ के कोई ब्रेक लेने की इच्छा होती है? सब चीज से वही है जो आपकी मैरिज होगी उसके बाद जो एक ब्रेक होता है वही सबसे आपके लिए खूबसूरत मैं कहूंगी मोमेंट होता है। तो मैं तो चाहती हूँ मेरे जिंदगी में जल्दी से जल्दी आए वो मौका। बाकी आपके चाहने पे मैंने कुछ बनाया था आपके लिए जो मैं मतलब आपको देना चाहती हूँ। बिल्कुल सरप्राइज है जो मैं लेके आई हूँ। काफी अच्छे से छुपा के रखा है इसको। छुपा के रखा है मैंने। बस मैंने वैसे मेरे को बिल्कुल आती नहीं सिलाई विलाई बट आई हैव ट्राइड इट सो लेट्स सी कि आपको कैसा लगता है। आप देखिए ये तो बहुत सुंदर है। देखिए इसमें आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल आर किया है और अपने नाम का टी से इनिशियल किया है। दिस इज आई एम रियली टच मतलब मेरे को पहली बार किसी ने अपने हाथ से थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग लग रहा है। मन करे बातें खत्म ना करो पर कहने के मेरे ख्याल से बाकी लड़कियों से मुझे बातें करनी है हाँ? तो मैं थोड़ा सा उनसे बात कर लेता हूँ जरूर हमें और मौका मिलेगा बात करने का मुझे विश्वास है। मुझे भी विश्वास है। तो थैंक यू सो मच देने के लिए और मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। इस लम्हे का इंतजार मैं काफी दिनों से कर रही थी और आज वो एक बात मेरी पूरी हुई है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ऐसी खुशियाँ जो है वो मुझे बार बार मिलती रहे इस जन्म में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बड़ी नॉटी हो। हाँ वो तो मैं हुई। हाँ मैं देखा था। मैं ऐसे नहीं कर रही थी। इतनी नॉटी लड़की और जज बनना या एडवोकेट बनने की ख्वाहिश रखती हो मतलब क्या क्या कहानी क्या है बीच में? ऐसा नहीं कि मैं जज ही बनना चाहता, अगर एडवोकेट बनी कुछ अच्छे से पैसे आते हैं अच्छी प्रैक्टिस चलती है तो फिर जज का मैं भूल जाऊंगी। सचमुच मुझे ब्लैक कमांडो बनना था लेकिन ब्लैक कमांडो या मुझे लेकिन और गर्ल्स नहीं बन सकती ना सिर्फ बॉयज बन सकते हैं। ऐसा होता है कि सुरक्षा करती क्या फायदा होता नहीं मुझे ऐसे अंदर से ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं भी बनूं ब्लैक कमांडो देशभक्त मेरे में देश बहुत है। ब्लैक कैट बन जाओ सिर्फ। हाँ वो तो ब्लैक कैट नहीं मैं व्हाइट कैट तो हूँ ही व्हाइट नहीं वर्ल्ड कैट हूँ। यार बहुत मजा आ रहा है बहुत बहुत। और मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हो? जानूंगा बहुत समय आपको जानने के लिए और कहने की बाकी लोगों से मिलना है। ओके फिर कभी जब मुलाकात होगी तब मेरी जो अभी अभी तो मैंने जो बताया ना तो सिर्फ 0.1% बिल्कुल लेकिन जब दूसरी बार मौका मिलेगा तब आपको पक्का बता देंगे। पिछली बार आज काफी सारे तब मैं नॉटी वाली बातें नहीं करूंगी कोई और करूंगी जो मुझे कहनी है। आपका बाकी भी समझने दीजिए मुझे। ओके ठीक है चलो। ओके चलिए आइए। ओके गर्ल्स चलो काफी मजा आया। वी आर बैक।
चलो जाके देखते हैं बाकी लड़कियां अभी क्या कर रही है, तो जाए देखें बाकी लड़कियां क्या कर रही है। आइए आइए। आज की ग्रुप डेट वॉज जस्ट टू परफेक्ट, गाने गाए, मस्ती की, सबसे इंटरेक्शन रहा, राहुल से इंटरेक्शन रहा, ये दिन जस्ट परफेक्ट बन गया एंड मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लुक्स लाइक द वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन इज जस्ट नॉट इन माई यू नो डेस्टिनी। पहली बार भी डेट पे गई तो देयर वाज अ हरप्रीत एंड आज भी हम लोग को नहीं मिला, बट आई स्टिल हैव होप। मिस्टर महाजन, हाँ जी, जैसे कि आप जानते हैं कि उन दोनों ने आपके लिए एक एक डिश बनाई है। बिल्कुल। पेट पूजा के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, बहुत भूखा हूँ। आंखें बंद प्लीज।